and hi viewers, welcome to Medico AS, my YouTube channel, only for nursing field and juniors and interns. How to learn nursing equipments and medications. Topic: how to use neonatal warmer machine. She uses incubator and radiant warmer are used to maintain the body temperature of newborn infants. This is best done so that energy expended to metabolic heat. Metabolic क्या होता है? Metabolic उसको कहते हैं जो food से energy में convert होता है. Metabolic ज़्यादा हो गया, energy का loss ज़्यादा होगा. Metabolic कम हो गया, तो baby को energy कम मिलेगी. इसलिए radiant warmer का use करते हैं. Baby को temperature control करता है और metabolic rate को maintain करता है. Radiant warmer premature babies के लिए use करा जाता है और birth asphyxia cases के लिए use करा जाता है. एस्पेक्टिक्स में यह बच्चे लंबे समय तक इसमें रखा जाता है. आपको ये मशीन कैसा ऑपरेट करते हैं और कैसा कंट्रोल करते हैं आपको मैं बताऊंगा. ये वार्मर का फर्स्ट ऑन ऑफ बटन होता है स्विच, एंड सेकंड वन ये एग्जामिनेशन लैंप होता है, एंड थर्ड वन ये हीटर बोलते हैं इसको, रेडिएटर वार्मर हीटर कहते हैं इसको, एग्जामिनेशन लैम्प कहते हैं. स्किन मैनुअल माइक्रो कंप्यूटर कंट्रोलर कहते हैं. वार्मर केयर में कुछ सेटिंग होती है और कुछ कंट्रोल्स होता है, आपको वो बताता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पेशेंट को जब बेबी एनएसयू में एंटर होती है, जब न्यूबॉर्न, फर्स्ट ऑफ ऑल बेबी को अपने को स्किन प्रोब लगा लेना है राइट साइड हाइपोकॉन्ड्रिक एरिया में. ये लगा लेने के बाद जब ये कनेक्ट करते बेबी को चेस्ट पे, उसके बाद अपने यहाँ पर कुछ सेटिंग और कंट्रोल्स बताए जाते हैं. अभी ये सेटिंग डिस्प्ले में आकर अपने को नॉर्मल टेम्परेचर 36.0 सेंटीग्रेड होता है. ये ऊपर का स्किन प्रोफ टेम्परेचर आपको यहाँ पर शो करता है. जब बेबी को फीवर या टेम्परेचर हाई होता है तो अपने को यहाँ पर डिस्प्ले करता है. जब नॉर्मल टेम्परेचर सेंटीग्रेड से अगर ज़्यादा यहाँ पर आपको शो करा तो जब इमिडिएटली वार्मर ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि वार्मर हीटर से बेबी का हीट दो अटैच होकर जब बेबी को ज़्यादा और टेम्परेचर बढ़ने की चांसेस होती है. पर ये फोर क्रेडल्स होते हैं और बेबी के लिए ट्रेन बेटर होता है. और सेकेंड वन और इसके ये मॉनिटर के लिए स्टैंड होता है और राइट साइड में आईवी स्टैंड होता है जो बेबी को फ्लूइड इन्फ्यूजन करने के लिए. और नीचे भी थोड़ा स्पेस होता है वार्मर के नीचे जो मेडिसिंस मेडिकेशंस रखने के लिए थोड़ा स्पेस होता है. बस इतनी ही थी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मैं नर्सिंग वालों के लिए इजी टिप्स के साथ और अच्छे टॉपिक्स लेकर आऊंगा आपके सामने. Thank you for watching. Please subscribe. Click on the bell icon to be notified every update of our channel. Thank you so much.